हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपी की फेमस ककौड़े की सब्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे यूपी में इसको खेक्सी भी बोलते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ अपने सासू माँ के हाथों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, यहाँ तक कि बच्चे भी उंगलियाँ चाट कर खाते थे। तो सबसे पहले इसके जो ऊपर दानेदार छिलके होते हैं उसको हमें साफ कर लेना है। तो चाकू की हेल्प से ही साफ करना है, हमें आलू की तरह इसको बिल्कुल नहीं छीलना है। साफ करने के बाद इसके दोनों साइडों को हमें काट लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जितने भी दानेदार छिलके थे उसको मैंने साफ कर लिया है। तो सभी को साफ करने के बाद इसको मैंने धो लिया है, धोने के बाद ही आपको काटना है। तो आप साफ करने के बाद पहले इसको धो लीजिए, फिर इसकी कटिंग कीजिए। तो हमारे जो यहाँ पे थी ये सब्जी बनती थी इस तरीके से, बिल्कुल लंबे लंबे परवर के साइज में काट करके बनती थी। तो आप अपने हिसाब से इसको गोल लंबा जैसा आप चाहें उस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। तो जैसे मैंने खेक्सी को काटा है सेम उसी तरीके से आलू भी काट लिया है। आलू भी इसमें मिक्स बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, अगर आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकती हैं। अब इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, साथ में डाल दिया है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, जहाँ तक हो आप सरसों के तेल में ही ये सब्जी बनाइए। साथ में मैंने पचफोरन और प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा हींग। अब सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। सारी चीज़ों को डाल करके करीब एक मिनट तक हम भूनेंगे। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। जैसे प्याज एक मिनट भून जाए इसमें हम कटी हुई सब्जियां डाल देंगे, और कटी हुई सब्जियां डाल करके हमें इसको चला चला के और थोड़ा ढक करके पकाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि इस सब्जियों को हमें भूनना है, भुनाई करनी है। तो भुनाई करने के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही कीजिए। बीच बीच में इसको एक दो मिनट करके आप इसको चलाते रहिए, ताकि हमारी सब्जियां नीचे से जले भी ना और सब्जी अच्छे से भुन जाए। तो तीन से चार बार आपको ये प्रोसेस करना है। ये देखिए, तीन से चार बार भी मैंने चला करके इस तरीके से पका लिया है। अब जो हमारा प्याज था वो भी ब्राउन हो चुका है, थोड़ी थोड़ी हमारी जो सब्जियां थी वो भी अच्छे से भुन चुकी हैं। जब ये सब्जियाँ हल्की सी भुन जाए फिर इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा वाली मिर्च। तीनों को डाल करके बढ़िया से हमें इसको मिला लेना है। अब इस समय हमें क्या करना है, गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पे हम क्या करेंगे, सब्जियों को थोड़ा इस तरीके से साइड कर देंगे और कढ़ाई में बीच में बनाएंगे थोड़ी सी जगह। तो जगह बना करके हमें डाल देना है इसमें टमाटर। तो दो से तीन टमाटर मैंने डाल दिया है। टमाटर को भी लंबे लंबे शेप में काट लेना है। ऊपर से डालना है नमक, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाए। अब सब्जियों को क्या करेंगे, टमाटर के ऊपर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर देंगे। अब इसको हमें ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम से तीन से चार मिनट हमें कुक होने देना है, ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं टमाटर के पानी में ही कुक हो जाएँ। अब ये देखिए, टमाटर कितने अच्छे से गल चुका है। इस तरीके से आप टमाटर को अगर गलाएंगी तो बहुत ही अच्छे से गल भी जाता है, साथ में जो टमाटर का पानी होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है। हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब सब्जी करीब हमारी 80% कुक हो चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दिया है गर्म मसाला। तो आप अपने हिसाब से गर्म मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकती हैं। अब सारी चीज़ों को मिला करके फिर से इसको हमें ढक देना है, ढक करके एक से दो मिनट इसे छोड़ देना है, क्योंकि सब्जी तो अच्छे से कुक हो गई है तो बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है। तो फिर से हम इसमें ढकेंगे, लेकिन उसके पहले बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो चाय वाली कप होती है उसी कप से समझिए आधा कप पानी। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि इस सब्जी में अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो सब्जी हमारी अच्छी नहीं बनती है। बिल्कुल लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट फिर से मैंने ढक दिया था। तो ये देखिए, सब्जी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। जो पानी हमने डाला था वो भी बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल हल्का हल्का सिर्फ सब्जी में लपेटा हुआ है, उतना ही रस्सा हमें चाहिए। तो ये देखिए, सब्जी अच्छे से गल चुकी है, हमारा आलू और जो है खेक्सी दोनों गल चुके हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।